सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। भैया क्या नाम है आपका? रोहित रतन। आपका लगभग टिकट BSP से फाइनल हो चुका है, तो आप मऊरानी पूरी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता तो पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी का के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो उन्होंने भरोसा मुझ पर जताया है, तो मैं इस भरोसे पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। और रही बात अगर जनप्रतिनिधि चुनने की, तो मऊरानीपुर की अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से वादा करता हूं कि यहां की जो भी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, और चाहे लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो, अगर मैं यहां का जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ तो ये सारी उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनके क्षेत्र में विकास की गारंटी, ये सारी गारंटी मेरी रहेगी। और मैंने यहाँ देखा है मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मऊरानीपुर ज़िले का मुद्दा तो है ही, यहाँ के लोग चाहते हैं कि मऊरानीपुर ज़िला बने। ये अच्छी बात है, ये हमारी भी सोच है कि मऊरानीपुर का ज़िला बनने चाहिए, और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हमेशा छोटे छोटे राज्यों की और छोटे छोटे ज़िलों की पक्षधर रही हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार बनती है तो ज़िला तो बनना ही है मऊरानीपुर। और अगर प्रदेश में हमारी सरकार भी नहीं बनती, अगर मैं जब यहाँ की क्षेत्र की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा जब तक कि मैं इस मऊरानीपुर तहसील को ज़िले का दर्जा ना दिलवा लूँ, मैं शांत नहीं बैठूंगा। ज़िले के अलावा मैंने एक मुद्दा और यहाँ पे देखा हुआ है, वो मुद्दा है पलायन का। ये चूँकि यह पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने रोज़गार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे कि लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं। तो हमारी सरकार बनी तो हम यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करके यहाँ के युवाओं का रोज़गार देने का काम करेंगे, और कौशल विकास योजना के माध्यम से जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो सारी योजनाओं का लाभ यहाँ के युवाओं को मिले, इसका हम प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। यहाँ पे एक मुद्दा और चल रहा है, सुखने बचाओ अभियान, इस पर आपका क्या कहना है? ये भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुखने नदी जो हमारी जीवनदायिनी है उसको स्वच्छ करने का मुद्दा। तो चूँकि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि नगर पालिका में सत्ता किसी और दल की है, ये काम नगर पालिका का होता है, अगर नगर पालिका इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो हमारी सरकार निश्चित इस पर जरूर कोई ना कोई कदम कड़ा उठाएगी, और इसको सुखनई नदी को साफ करने का बीड़ा भी हम लोग उठाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? डॉक्टर अमरीक भजन नेता। मऊरानीपुर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी की? सर, मैं सबसे पहले आज मैं आपको बताऊँ, गरीब किसान मजदूर युवा की तरफ से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो आज वर्तमान में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और इसके पूर्व अखिलेश जी थे, इसलिए इन सब के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हक शिक्षा अधिकार चाहिए, सुरक्षा रोजगार चाहिए, बहुत हो गई हवा हवाई उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की सरकार, इसलिए अब की बार बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार चाहिए, बहुजन की सरकार चाहिए, हम लोगों को हाथी की सरकार चाहिए। और मैं आपको तो मुझे हम लोगों को अमन चैन, और हमारे बीच में जो युवा प्रत्याशी उतारा गया है मऊरानीपुर से, सबसे पहले पहला ऐसा प्रत्याशी है जो आपके हमारे उम्र का है, और आज नया युवा है, और ये 5 बार बबीना से विधायक रहे हैं, ये आप दिमाग लगाइए, 5 बार बबीना से विधायक होने के बाद आप बताइए लगातार क्यों बनाते हैं जनता, अगर ये विकास करते हैं इसलिए ये मऊरानीपुर में अगर बनते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मऊरानीपुर में विकास पैदा ही होगा। सुखनई नदी पर आपको क्या कहना है? सुखनई नदी का मैं आपको बताऊँ, मैंने उस ऐसी नदी होती थी कि उस नदी में हम लोग झरना गड्ढा खोद के पानी पिया करते थे, वो आज उस नदी में जो कीचड़ जमा हुआ है, तो महोदय आज प्रधानमंत्री जी को शरम आनी चाहिए, आज नगर पालिका के नगर अध्यक्ष जी को शरम आनी चाहिए कि अगर उसमें जो गाली गंदी नाली जो है, जो पानी सड़ रहा है, ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी घास मऊरानीपुर में होगी, वही ऐसी बीमारी होगी कि इसका इलाज शायद नहीं होगा, इसलिए आज निवेदन है कि जिला बनाओ, अगर जिला नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की माननीय हमारे अध्यक्ष हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने ही जिले बनाए हैं, आप नोएडा में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, मऊरानी जिला केवल बहन जी ने, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मऊरानीपुर में जो मुद्दे उठा रहे हैं वो BJP वाले हैं, लेकिन वो बना नहीं रहे, लेकिन उसके उनके प्रधान उनके
पीएम उनका, सीएम उनका, मुख्यमंत्री उनके, विधायक उनके, सांसद उनके, और आप बताइए मुद्दा वो उठाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गुमराह कर रहे हैं हमारे वोटर को, जला बनाओ रैली में गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे भरोसा देता हूँ कि आने वाले समय बहन जी आएंगी तो मैं चंद दिनों के अंदर ही जला बनाएगा, और जला बनाने के साथ साथ यहाँ विकास किया जाएगा बहुजन समाज पार्टी की ओर से और सभी लोगों की तरफ से। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार अब की बार फेल हो गई है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।